नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज से अब आप सभी वाकिफ हैं। हम हर सप्ताहांत में आते हैं, भारत के कलाकारों से आपकी मुलाकात कराते हैं और आज जो हमारे साथ कलाकार हैं उनके दरअसल एक नहीं कई परिचय हैं, तो मैं बहुत ही ब्रीफली उनके कुछ परिचय आपको बता दूं ताकि बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर नीता माथुर जी हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के वरिष्ठ साधकों में से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत की तालीम देती हैं और उसके अलावा टीवी और रेडियो में एंकरिंग से लेके वॉइस ओवर से लेके कार्यक्रम के संचालन तक सबकी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। तो नीता जी, बहुत लंबे परिचय को बहुत छोटा करके कोशिश की मैंने, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ जी। शिवेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। बातचीत की शुरुआत हम करें अनीता जी, उससे पहले एक हमने परंपरा ही कह लें या कह लें कि एक आदत सी पड़ गई है कि हम अपने मेहमान से हमेशा विनम्र गुजारिश करते हैं कि वो कोई एक भजन सुनाएं, और भजन से होता यह है कि इंटरव्यू की अच्छी सी नींव बन जाती है और उसके बाद बातचीत बड़ी दिलचस्प होती है और उससे कुछ निकल कर आता है। तो आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि कोई भजन सुनाइए और उसके बाद परंपरागत सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। मैं अपने जो गुरुवर हैं आचार्य पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज जी की एक रचना है भैरवी में, भज प्रभु जप ले हरि नाम, क्योंकि हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सुर जो है वो ईश्वर का स्वरूप है, सुर ही ईश्वर है, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भज प्रभु जप ले हरि नाम, भजन प्रभु जप ले हरि नाम, रस नरटे भव अंध कटे, होंगे अधूरे पूरे काम, भज प्रभु जप ले हरि नाम, सुग्रत सुगम सुर हीते पावे, सुरत सुगम सुर हीते पावे, मधुर पिया सुर सुमिरत गावे, मधुर पिया सुर सुमिरन गावे, अजहु चेत समय गवावे, अजहु चेत क्यों समय गवावे, सुर की सुमरनी धाम, भज प्रभु जप ले हरि नाम, सुर की सुमरनी धाम, भज प्रभु जप ले हरि नाम, भज प्रभु जप ले हरि नाम। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपके भजन में जो हमने अभी सुना हमें समझ भी आया कि वाकई सुर ही ईश्वर है। अनीता जी, अब चलते हैं और जैसा मैंने कहा था भजन से पहले कि परंपरागत सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, तो माँ तो वैसे भी ईश्वर का ही रूप होती हैं, लेकिन आपके लिए तो संभवतः ईश्वर से भी कहीं ज्यादा बढ़कर हैं, क्योंकि पहली गुरु भी आपके आपकी वही हैं और आपके अंदर जो संगीत के बीज रोपने वाली, उसको पानी देने वाली और उसको एक पौधे और एक पुष्प के तौर पर तैयार करने वाली आपकी माँ है, तो उनके बारे में बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस तरह का सांगीतिक वातावरण था परिवार में बचपन में आपके। जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ शिवेंद्र जी कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ। पहली बात तो ये कि मेरे माता पिता दोनों शिक्षक रहे, मेरे पिता भी शिक्षक थे, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज में, और मेरी मदर भी सोशियोलॉजी की ही एक्सपर्ट थी, उन्होंने भी एमए सोशियोलॉजी में किया था। पर उस जमाने की मैं आपको बात बताती हूँ कि हमारी मदर ने वो जिस तरह के परिवेश से आई थी, वहां पर पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही, साथ में उन्होंने संगीत की शिक्षा भी ग्रहण करी और बहुत अच्छे अच्छे गुरुजनों से सीखा, और कॉलेज में भी उन्होंने शिक्षा ली, संगीत प्रभाकर भी किया और पंडित जगदीश मोहन जी से उन्होंने गायन किया। पंडित जी के जो शिष्य थे
महाराज कपूर किशोर जी, उनसे भी उन्होंने कुछ वर्ष गायन सीखा। तो जो मेरी बचपन की जो इसे कहते हैं इब्तदी तालीम तो माँ से ही आरंभ हुई, मदर ने ही मुझको स्वर ज्ञान कराया, सुरों का अभ्यास कराया। और मुझे याद नहीं कि किस उम्र से मैंने गाने को शुरू किया, गाना मतलब एक इट वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर डेली लाइफ। रोज मुझे वो शाम को हारमोनियम लेके बैठ जाती थी कि पढ़ाई लिखाई का अपना होमवर्क करो और उसके बाद बैठना है। हमारी सिस्टर भी वो तबला सीखती थी, और मतलब कुछ ना कुछ सीखना जरूर है, महिलाओं के लिए ये आवश्यक था कि शाम का टाइम, क्योंकि और मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो शाम के समय मदर चाहती थी कि हम लोग घर में बैठें और कुछ गाना बजाना करें। फादर को भी काबे का भी माहौल बना रहता था, तो इतना सुंदर वातावरण परिवार में मिला। तो शुरू के जो राग हैं भैरव भैरवी और जितने भी हमारे केदार कामोद, तो ये सब रागों की उन्होंने तालीम दी और छोटे छोटे ताल हमको सिखाए, और सरगम और पैटर्न जो है अलंकार वगैरह। तो शुरुआत तो बचपन से ही, मुझे लग रहा है शायद 6-7 साल की रही होंगी मैं। और फिर मैं 11-12 साल की रही होंगी तो मुझे रेडियो पे गाने का भी मौका मिला। पहले तो चिल्ड्रन प्रोग्राम में हम गाते थे, उसके बाद युवा वाणी पर मेरा सिलेक्शन हुआ। वो मेरे फादर मुझको लेके दिल्ली आते थे और कार्यक्रम वो भी चलता रहा सिलसिला, तो इस तरह से शुरुआत हुई। लेकिन ये कब तय हुआ, क्योंकि ना तो पिता का प्रोफेशनली संगीत का कोई सीखने का कोई वो नहीं था, माँ का भी प्रोफेशनली संगीत का कोई बैकग्राउंड या कह लें उससे अटैचमेंट नहीं था। आपने कब ये तय किया कि प्रोफेशनली संगीत सीखना है, यानी जो संगीत की परंपरागत तालीम है, जो विधिवत तालीम है, उसके तहत आगे बढ़ना है? क्या ये इकलौता आपका फैसला था, या निश्चित तौर पर इसमें आपके माता पिताजी ने भी आपकी मदद की होगी, वो फैसला कैसे हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगी शिवेंद्र जी की एकेडमिकली भी मैं बहुत साउंड रही भगवान की कृपा से, और घर का चूंकि माहौल था पढ़ाई लिखाई का, तो आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर स्टूडेंट। और 10th में भी मेरे बहुत हाई, मतलब जैसे कहते हैं हाईएस्ट मार्क्स आने की वजह से मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी वजीफा मिला, और उसके बाद भी हमेशा मतलब थ्रू आउट फर्स्ट क्लास मेरा कैरियर रहा। और फादर का सबसे पहला ये रहता था कि नहीं, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, गाना बजाना तो करना ही है अपना, मतलब उसको ऐसे शौक किया करते रहते थे हम लोग, रेडियो पे प्रोग्राम देना है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 16 वर्ष की अवस्था में मैंने बी ग्रेड मुझे मिल गया था दिल्ली रेडियो से, और भजन और गीत में। तो और मैं खुद ही रचना जो भजन की या सूरदास जी वगैरह के जो पद रचनाएं थी उनको खुद कंपोज कर लेती थी, अपने आप ही उसकी सांगीतिक रचना मैं बना लेती थी। तो ये प्रभु की कृपा थी, और कुछ अंदर से प्रेरणा, अंतर्ष प्रेरणा जो होती है उससे हो सकता है। फिर आगे चलकर जब मैंने बीए किया, बीए में जाके जब मेरे को शास्त्रीय संगीत, उस समय डॉक्टर सुधा रानी शर्मा जी बरेली में हुआ करती थी, जो कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी की शिष्या थी, तो उन्होंने मेरे अंदर जो एक, क्योंकि एक बचपना होता ना उस समय, बच्चे का मन सब तरफ दौड़ता है कि फिल्म संगीत भी सुनना है उसको, लाइट म्यूजिक भी सुनना है, ध्यान उधर ज्यादा रहता है। पर फिर धीरे धीरे गंभीरता आई जब उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने कहा नहीं देखो शास्त्रीय संगीत ही एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हारी आवाज अच्छी है और शास्त्रीय संगीत को पढ़ो, और यही उम्र है, इसी से आपको तालीम शुरुआत करनी चाहिए। तो शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान हुआ, और फिर मैं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा विवाह भी ऐसे परिवार में हुआ, मेरे पति को बहुत गाने बजाने का शौक है, ऐसे ही शौक किया, मतलब उन्होंने कोई तालीम नहीं हासिल की है। तो जब हमारा विवाह हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई इसकी जो पढ़ाई है रुकनी नहीं चाहिए मेरे हस्बैंड से कहा कि इसकी पढ़ाई लिखाई चलती रहनी चाहिए कंटिन्यूस, और गाना तो ये छोड़ेगी नहीं। और दिल्ली में ही मेरा विवाह हुआ था, तो रेडियो पे भी जाना आना रहता था, हर महीने कार्यक्रम तब तो मिला करते थे। तो एक ये भी वजह रही कि मेरा दिल्ली में विवाह हुआ, और परिवार में बहुत मुझे सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड और मेरे जो ससुराल में भी, तो मेरा गाने बजाने का सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, MA MPhil ये किया, और शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तान क्लासिकल वोकल में, और उसमें भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स में फर्स्ट क्लास आई। और तब उसके बाद फिर मन में ये आया कि नहीं अभी ये इतना पर्याप्त नहीं, बिना गुरु के सदगति नहीं है शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि एक बड़ी लंबी चलने वाली यात्रा है। तो मन में एकदम आया, क्योंकि
विदुषी कृष्णा जी वहाँ फैकल्टी ऑफ म्यूजिक में पढ़ाती थी, सीनियर प्रोफेसर थी वो वहाँ पर। तो मेरे मन में अंदर से ही एकदम ये हुआ कि नहीं, मुझे इनसे सीखना है। बस उनके चरणों में जाकर मैं बैठ गई। मैंने कहा मैडम मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे सीखूँ, आपसे तालीम लेना शुरू करूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ये विद्या ऐसी है कि लोग करते हैं फिर बीच में जाके इतना, क्योंकि बहुत ही दुष्कर मार्ग है शास्त्रीय संगीत का, लोग छोड़ देते हैं, फिर हम जो सिखाते हैं वो भी हमारी विद्या हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं एक स्टूडेंट के साथ और फिर वो बीच में ही छोड़ के चला जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं मैडम मेरे को तो ये करना ही है शास्त्रीय संगीत में ही, और मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे पति से भी बातचीत की कि नहीं आप इनको अगर ये सीखना है तो प्रॉपर सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर मैं उनके मार्गदर्शन में आई और उनसे मैंने तालीम लेनी आरंभ। आपने दिल्ली का जिक्र किया, आपने कृष्णा बिष्ट जी का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि मुझे रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताना चाहिए कि कृष्णा बिष्ट जी जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो दिल्ली घराना है उसके प्रतिनिधि कलाकारों में थी। इसके अलावा आपने चांद खां साहब पर भी काम किया, आपने उनके उनका जो संगीत सफर था उस पर भी काम किया, तो उन यादों के बारे में, कृष्णा जी से जुड़ी यादें तो आपने बताई ही, दिल्ली घराने के साथ जो शुरुआती आपका, शुरुआती कहने से मतलब कि प्रोफेशनली सीखने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उन दिनों के बारे में भी थोड़ा सा बताइए हमें। मैडम किसी के जब मार्गदर्शन में मैं आई तो शुरुआत तो वही जैसे यमन और जो और राग हैं उनसे आरंभ हुआ, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल सरगम और जो तानों को लेने का पैटर्न है, अलापचारी किस तरह से की जाए, जो जैसे कि एक आम तौर से शिष्य को तालीम दी जाती है। उसके कुछ वर्षों बाद खान साहब का सेंटिनरी वॉल्यूम निकलना था, उनकी सेंटिनरी मनाई जा रही थी, तो उस्ताद चांदखा साहब की जो बंदिशें थी उनका कार्य, उनको स्वरलिपिबद्ध करने का कार्यभार कृष्णा दीदी ने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि तुम इनकी स्वरलिपि बनाओ, तो हमने ये 1999 में ये सेंटिनरी वॉल्यूम निकला था, द डोयन ऑफ दिल्ली घराना, जिसकी लेखिका कृष्णा दीदी थी और वी के रांगरा साहब अब वो नहीं रहे। तो इसमें कुछ चैप्टर्स भी हैं जिनमें से एक चैप्टर जो है सिलेक्टेड कॉम्पोजिशंस ऑफ उस्ताद चांदखां साहब, तो वो मैंने उसको संकलित किया और करीब 25-30 बंदिशें इसमें हैं जो खान साहब की बनाई हुई बंदिशें हैं। ये 99 में ये कार्य हुआ था और काफी रचनाओं को इसमें लिया गया हमने लिया था। कुछ वर्षों बाद जी हाँ बताइए जी 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 आप अपनी बात कंप्लीट, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कृष्णा जी के अलावा मैंने हमारे देश के जो मूर्धन्य शास्त्रीय कलाकार हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक, और जिसे हम कह सकते हैं कि वो चहुमुखी गायक हैं, केवल ख्याल गायन में ही नहीं बल्कि ध्रुपद धमार तराना रागमाला और जो हमारी वैदिक संगीत की गायन परंपरा है, प्राचीन जो विधाएं हैं उनके मर्मज्ञ हैं आचार्य पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज जी, पद्मभूषण गोकुलोत्सव जी महाराज जी। तो उनके सानिध्य में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर मैंने उनसे दीक्षा ली महाराज जी से और उन पर एक पुस्तक लिखी महाराज जी के जीवन और उनकी संगीत यात्रा पर, और उनकी सैकड़ों बंदिशें हैं महाराज जी की बनाई हुई विविध रागों में। तो उन रचनाओं को मैंने स्वरलिपिबद्ध रूप में संकलित किया। ये पुस्तक सन 2006 में प्रकाशित हुई। ये है आचार्य पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज शास्त्रीय संगीत के बहुआयामीय स्तंभ जी, और इसमें उनका जीवन कृतित्व और संगीत रचनाएं, इसको हमने संकलित किया था। डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने इसका विमोचन किया था और बहुत बड़े बड़े कलाकार उस जमाने में उस सभी लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। विदुषी शन्नू खुराना जी आई थी, कृष्णा दीदी थी वहां पर, पंडित तेजपाल जी, पंडित एल के पंडित जी, आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया और त्रिवेणी सभागार में इस पुस्तक का विमोचन हुआ था। मैं इसके बाद मुझे लगा जी 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 नहीं 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 आप शिवेंद्र जी, फिर कुछ साल बाद मुझे लगा कि महाराज जी का व्यक्तित्व तो इतना बहुआयामी है कि ये एक पुस्तक पर्याप्त नहीं है। हालांकि गुरु के बारे में लिखना कोई सरल बात नहीं होती है और हम जितना भी लिखते हैं वो ऐसा लगता है अभी कुछ और बाकी रह जाता है। तो सन 2011 में फिर एक मन में आया तो पुस्तक लिखी महाराज जी पे, शास्त्रीय संगीत के सूर्य ये पुस्तक है और इसमें और रचनाएं जो रह गई थी पहली वाली पुस्तक में, तो वो इन रचनाओं को इसमें संकलित किया गया और इसका भी विमोचन
दिल्ली में भी हुआ और बम्बई में भी हुआ, और बॉम्बे में काफी कलाकारों ने इसमें कार्यक्रम में भाग, मतलब उनको हमने आमंत्रित किया। गुलाम मुस्तफा खान साहब थे उसमें, पंडित डी के दातार जी थे, और पखावज के भी कुछ कलाकार तबला वादक भी थे, और काफी बड़े बड़े कलाकारों ने उसको, ये विद्या भवन था, भारतीय विद्या भवन में इसका विमोचन हुआ था, तो वहां पर कार्यक्रम का पुस्तक विमोचन भी हुआ, और काफी मुझे सराहना मिली पुस्तकों के बारे में, और हिंदू पेपर में भी आया, डॉटर ऑफ द सन करके एक आर्टिकल आया था, जिसमें मुझे सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे इस पुस्तक के बारे में लिखा। मैं अभी परम आदरणीय गोकुलोत्सव जी महाराज पर बातचीत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, जिस उससे पहले आपने बहुत सारी चीजें उनके बारे में बता दी हम, लेकिन इस बातचीत को और करेंगे, उनके उन गुरु के तौर पर उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि इतनी सारी बंदिशों की बात हो गई दिल्ली घराने के, चांद खास साहब की बात हो गई, कृष्णा जी की बात हो गई, तो कोई एक राग हमें आप सुनाइए और उसके बाद फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको राग सरस्वती में महाराज जी की एक रचना सुनाती हूँ, सुमिरत भय दिन रहे। क्या बात है, और राग सरस्वती हमने ये संयोग भी कहना चाहिए कि अभी तक जितने कलाकारों का इंटरव्यू किया है उसमें पहली बार हम राग सरस्वती सुन रहे हैं। अच्छा रीता जी, अब मैं आता हूँ आपके मौजूदा गुरु जो आपके, जिनके ऊपर आपने किताबों का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमारे इंटरव्यू में किया था, परम आदरणीय आचार्य गोकुलोत्सव जी महाराज पर। एक गुरु के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर तो उनको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन गुरु के तौर पर हम उनको इसलिए नहीं जानते क्योंकि हमारा उनसे सीधा कोई जुड़ाव नहीं है। आप उनसे एक शिष्य के तौर पर जुड़ी हुई हैं, उनको गुरु के तौर पर आप कैसे देखती हैं? मतलब ये थोड़ा सा जटिल सवाल भी है क्योंकि किसी, जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि गुरु पर लिखना मुश्किल होता है, वैसे गुरु पर बोलना भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप बता सकें गुरु के तौर पर आचार्य जी के बारे में। देखिए, वो कहते हैं ना कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघारियो और अनंत दिखावनहार। तो महाराज जी शास्त्रीय संगीत के तो एक बहुत, जैसे कहते हैं, महान गायक, यशस्वी गायक हैं ही, पर आप एक अध्यात्म की जीवंत मूर्ति हैं। संगीत और अध्यात्म का एक बहुत सुंदर संगम महाराज जी के व्यक्तित्व में हमको मिलता है, और आप एक इतनी पवित्र वंशावली से आपका जन्म हुआ, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के वंशज हैं महाराज जी, हम लोग सभी, बहुत से लोग जानते हैं। तो एक गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में, और एक आचार्य के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य देवोभव की परंपरा रही है, तो महाराज जी अध्यात्म गुरु भी हैं और संगीत गुरु भी हैं,
तो संगीत का तो बहुत ज्ञान महाराज जी के पास अथाह सागर है, ध्रुपद धमार की अनेकानेक बंदिशें, और फिर हवेली संगीत के भी आप आचार्य हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि बल्कि प्रधान आचार्य हैं महाराज जी, क्योंकि हमारा जो हवेली संगीत है, पुष्टि मार्ग का हवेली संगीत, क्योंकि पुष्टि मार्ग की संस्थापना भी जो थी आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने, और चूंकि महाराज जी उनके वंशज हैं तो वहाँ की जितनी भी पदावलियां हैं और जो कीर्तन परंपरा है, जो धरोहर है संगीत की, हवेली संगीत, तो वो पद रचनाएं भी मुझे महाराज जी के कृपा से प्राप्त हुई हैं, और ये बहुत सुंदर रचनाएं हैं, विविध रागों में विविध तालों में आबद्ध हैं। महाराज जी खुद बहुत अच्छी रचनाएं गाते हैं ये हवेली संगीत की, और उन्होंने जैसा कि मुझे बताया कि हमारा शास्त्रीय संगीत भी जो है उसमें भी बहुत कुछ हवेली परंपरा से लिया गया, हवेली संगीत से बहुत कुछ उसको इनहेरिट किया गया वहां से भी। कई रचनाएं हैं जैसे कि केदार की है, बनठन कहाँ जो चले, तो ये है, और आलीरी अलबेली सुंदर नार बिहाग में गाते हैं, तो ये कुमनदास जी की रचना है। तो इस पर उन्होंने बहुत, मैंने भी कुछ शोध पत्र लिखे हवेली संगीत पे, और महाराज जी की तो इसमें पूरा उनका शोध है इस पर, तो ये एक बहुत बृहद विषय है, इस पर कभी चर्चा करेंगे आपसे। अच्छा नीता जी, जब आप शुरुआत में परिचय करा रहा था आपको, और मैंने बताया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 3 दशक से तकरीबन पढ़ा भी रही, तो मैं आपसे जैसे समझ लीजिए कि बहुत आपको, आपके जीवन में बहुत से लोग आपको ऐसे मिले होंगे जिन्होंने आपसे ये कहा होगा कि मुझे शास्त्रीय संगीत समझ में तो नहीं आता, यानी उसका व्याकरण तो नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आपके जैसे कलाकार से जब मैं जुड़ता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आसान शब्दों में हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, हमारे जो श्रोता होते हैं, हमारे जो दर्शक होते हैं, उनको बताएं। मसलन आपने भी हवेली संगीत का जिक्र किया, तो मेरे जिज्ञासा ये है कि हवेली संगीत है या ख्याल गायकी है, या हम कहते हैं ध्रुपद है, या हम कहते हैं ये बंदिश है, या ये तराना है, इन सब शब्दों को, इन ये जो मैंने अभी शब्द बताए या जो शैलियां बताई, इनको अगर आप ब्रीफली बता सकें कि हवेली संगीत क्या है, ख्याल क्या है, ध्रुपद क्या है, बंदिश किसे कहते हैं, या तराना क्या होता है, बहुत मतलब हमारे उन श्रोताओं के लिए बहुत लाभकारी होगा जिनको शास्त्रीय संगीत का ग्रामर, जैसा मैंने कहा, नहीं समझ में आता है। देखिए, ख्याल, ध्रुपद, धमार, ये जितनी है ये तो एक शैलियां हैं, एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स हैं गाने के, मतलब हमारे शास्त्रीय संगीत के। जैसे हमारी सबकी अपनी अलग अलग पहचान है, मैं नीता माथुर हूँ, आप शिवेंद्र जी हैं, हमारी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिकल फीचर्स हैं। द सेम वे मैं जब अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि ख्याल गायन शैली जो है, हालांकि ख्याल जो है, हम उसके बारे में अभी हम उसके इतिहास को अगर देखें तो एकदम क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि ख्याल कब से आरंभ हुआ, किंतु इसके जो बीज हैं हमें प्राचीन अपने शास्त्रों में मिल जाते हैं। उसमें जिस तरह का शैलियां हैं, गीतियां हैं, तो उसमें काफी कुछ उसके बीज हमको ख्याल किस, जो आज की परंपरा में हम सुनने को मिलता है कि जिस तरह से हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ख्याल मध्यकाल में आया या 12वीं-13वीं शताब्दी में आया या 15वीं शताब्दी में आया या 17वीं-18वीं शताब्दी में, एकदम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। किंतु मेरा हमेशा ये मानना है, और हमारे गुरु जी ने जैसा हमको बताया, कि ये सब प्राचीन धरोहर की चीज, प्राचीन जो प्रबंध गायन शैली थी वो इतनी विस्तीर्ण परंपरा थी कि उसमें विभिन्न प्रकार की शैलियां आ जाती, ख्याल भी है, ध्रुपद धमार भी है, तराना भी मिलता है। तो ये एक बहुत व्यापक विषय है जिसके बारे में शोध की आवश्यकता है, और बच्चों को शास्त्र पक्ष की जानकारी देनी बहुत जरूरी है। बंदिश का आपने जिक्र किया, तो बंदिश भी प्रबंध का ही स्वरूप है, प्राचीन प्रबंध यानी प्रकृष्ट रूप से बंधा हुआ जो, इसी प्रकार बंदिश का मतलब क्या है, जो बंधी हुई रचना है, यानी राग जो है वो इतना व्यापक शब्द है, एक सागर की तरह है। अब उस सागर को कैसे बांध लिया जाए, आपने देखा एक ही राग को लोगों ने एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे गाया है, उसकी कोई सीमा नहीं है, राग की सीमा नहीं। तो किंतु राग को जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो इतनी देर तो इम्प्रोवाइज करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनका इतना मानसिक वो भी नहीं हुआ होता है मानसिक स्तर को देखते हुए। तो हमारे गुरुजनों ने और हमारे जो पूर्वजों ने इतनी सरल बंदिशें बनाई कि ताकि वो राग का स्ट्रक्चर बच्चे को एकदम से एक छोटी सी बंदिश से ही सारा राग का समझ आ जाए,
कि भाई ये राग की चलन है, ये उसकी प्रकृति है, इस तरह से वो राग जाएगा, ऐसे ऐसे रास्तों से होकर के निकलेगा। तो ये बंदिश जो है अपने आप में एक बहुत नायाब चीज है। तो बिना बंदिश के तो राग को समझना या समझाना कठिन हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो बंदिश का तो ये मेरे हिसाब से कि सागर को गागर में भर देना तो गागर जो है वो बंदिश जो है वो गागर की तरह है। नीता जी के साथ बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ, जुड़ेंगे रात 10 बजे और बातचीत करेंगे नीता जी का जो रिसर्च वर्क है उस पर, और उसके साथ साथ उनके अध्यापन में जो विदेशी छात्र पढ़ते हैं उनकी क्या सोच है भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेकर, इस पर बात करेंगे। कल रात ठीक 10 बजे हमसे जरूर जुड़िएगा।